हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये रीडिंग बना रही हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हो यहाँ पे। आज जो है रीडिंग होगी एयर साइंस वालों के लिए कि नेक्स्ट वीक जो है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, जेमिनी होता है मिथुन, लिब्रा तुला, एक्वेरियस कुंभ। कुंभ, तुला और मिथुन राशि वालों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अगला नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है एयर साइन वालों की लाइफ में, क्या सिग्निफिकेंट होने वाला है। ठीक है, कैसा रहने वाला है आने वाला नेक्स्ट वीक। आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे के बीच बीच में प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए जो लोग एयर साइन है जिनका, उनकी लाइफ में कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन सपोर्टिव एंजल्स, भगवान जी, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, नहीं होना चाह रहा ये कार्ड। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए एयर साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह। एयर साइन वालों के लिए कैसे रहने वाला है आने वाला सप्ताह। देखिए, पहला कार्ड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया, मींस के ये नाइट ऑफ कॉइंस एक क्या बताता है। देखो, यहाँ हम रीडिंग किस टॉपिक के पे कर रहे हैं कि जो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस वाले जितने भी एयर साइन वाले लोग हैं उनकी लाइफ में आने वाला नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आने वाले नेक्स्ट वीक में आप कोई डिसीज़न मेकिंग करने वाले हैं। ठीक है, ये डिसीज़न आपकी करियर लाइफ में कुछ पैसों के मसलों को या कोई करियर से रिलेटेड कोई फ़ैसला आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई एक्शन, कोई फ़ैसला आप ले सकते हैं, लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, द फूल का कार्ड मतलब ये फैसला आप, जैसे कहते नहीं कि एक पूरी तरह से डिवाइन को मतलब सौंप के, जैसे होता है ना कि हमने खुद को सरेंडर कर दिया, उस एनर्जी में आके, एक फूल की एनर्जी में आके आप ये फैसला पूरा भगवान पे छोड़ के, क्योंकि आपको लगता है कि अब जो है भगवान आपके साथ एक आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, क्योंकि आपको अंदर से ही एक ऐसी एनर्जी है कि अब जो है आपके साथ जो है डिवाइन एक जजमेंट करेगी। अंदर से ही आपको अपने आप में एक एम्पावरमेंट कह लो, या अंदर से ही अपने आप को आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि अब जितना जो गलत होना था हमारी लाइफ में हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है डिवाइन जजमेंट करेगी, मतलब कहने का मतलब जो आपकी प्रेयर्स हैं वो मानी जा रही हैं, जो आप चाह रहे थे एक न्यू बिगिनिंग, चाहे वो अपनी लव लाइफ में चाहे करियर लाइफ में, जो चाह रहे थे एक एक्शन वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड मे बी आप लोगों का, देखो आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हो, या आप अगर अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे मिला हो, या फिर द वर्ल्ड का कार्ड ये दिखाता है कि अगर आप कहीं फॉरेन ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं, ओवरसीज़ कहीं जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज़, कोई आप एक स्टेप बढ़ाएंगे उसको एक पूरा करने के लिए। उस क्वीन ऑफ कप्स मे बी यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि इस आने वाले हफ्ते में आपका जो भी, अगर आप लव लाइफ में हैं तो आपका जो भी पार्टनर है वो आपके लिए बड़ा अटैच फील करेगा। ठीक है जी, पेज ऑफ कप्स हो सकता है ये इंसान किसी ना किसी तरह से, इसके किसी ना किसी जेस्चर से आपको शो हो के ये आपके लिए कितनी फीलिंग्स रखता है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको जो है मे बी आप किसी शादी को अटेंड या किसी पार्टी शादी को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले वीक में पेज ऑफ सॉर्ड्स आप किसी को स्पाई कर रहे हैं या आपको कोई स्पाई कर रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स इस हफ्ते आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी एयर साइन वालों के लिए आने वाला जो सप्ताह है वो कैसा रहने वाला है। इन दिनों देखो इस हफ्ते में आप खुद अपने आप में ये चेंज पाओगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं। आप कोई भी डिसीज़न जो लेंगे आप बड़ा प्रैक्टिकल होके लेंगे, आप इस टाइप की एनर्जी में रहने वाले हैं। मैं बोल रही हूँ ना, जैसे अंदर से ही आपको एक एम्पावरमेंट रहेगी कि आपको कैसे जो है, मतलब कैसे जो है एक माइंडेड हो के चीज़ों को लेना है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो चाहे आपकी करियर लाइफ हो। ओके व्यूअर्स, तो यही चेंज मैं आप में देख रही हूँ। मे बी आप लोगों ने अभी रिसेंट पास्ट में कोई फाइनेंशियल
इशू जो है सफ़र किया है, चाहे वो पैसे की कमी है, चाहे वो अपने हेल्थ की किसी तरह से आप लोगों की हेल्थ ठीक नहीं रही है, तो वहाँ से आप रिकवरी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और जो उसका मेन कॉज है उसको पकड़ते हुए और उसको ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई विश फुलफिलमेंट होती आप लोगों की नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मतलब मिथुन कुंभ और तुला राशि वालों के लिए ये रीडिंग, के आने वाला जो हफ्ता है उसमें क्या चेंजेस उनकी लाइफ में हमें मिलेंगे। ऐसे ही हम कल करेंगे, अब जैसे आज हो गई ईयर साइन की, कल करेंगे पैंटिकल की। ठीक है, ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।